पुलिस के चंगुल में फंसे ऑनलाइन ठगी करने वाले तीन बदमाश मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में फर्जी लोन के साथ ही युवकों को दिखाते थे प्लेबॉय बनाने का सपना। फर्जी आधार कार्ड समेत दूसरे नकली पहचान पत्र बनाकर उनके इस्तेमाल से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस की अपराध शाखा ने पर्दाफाश कर दिया है। बुधवार को गिरोह के तीन ठगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से दर्जनों सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी व्यापारिक संस्थान के पंजीयन दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडौरतिया के अनुसार पकड़े गए बदमाश नकली दस्तावेज से बैंक लोन, ऑनलाइन ठगी और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी जैसे आपराधिक करतूतों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, जल्द ही कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर कई मोबाइल सिम रखते थे। इन सिमों और पहचान पत्रों से कई बैंकों में फर्जी खाते खोलकर लोन लेकर गायब हो जाते थे। इसके साथ ही वह बेरोजगार को नौकरी दिलाने के नाम पर भी ठगी करते थे। उन्होंने दीपक ट्रेडर्स के नाम से एक फर्जी कंपनी भी बना रखी थी। बदमाशों ने एक लड़की के फर्जी पहचान पत्र और आवाज़ को बदलने वाले ऐप से लड़की बनकर युवकों को प्लेबॉय बनाने का झांसा देकर भी ठगी की थी। पकड़े गए साथी ठगी के लिए हर तरह हथकंडे अपनाकर अवसर की तलाश में जुटे रहते थे। ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को पकड़ा है, जिसमें से दो आरोपी मुरैना के हैं और एक आगरा का है। इसमें जो पूरी फ्रॉड की कहानी है वो इस प्रकार से है, ये इन्होंने एक वेबसाइट लेकेंटो करके है, जिसमें अपने नंबर फ्लैश कर रखे थे और उसमें ये बताया था कि हम जॉब, विभिन्न तरह के जॉब ऑफर करते हैं। युवा इससे भ्रमित होके और इनसे कांटेक्ट करते थे, तो ये 2000 रुपये सबसे पहले अपने शुल्क के रूप में बुलवाते थे और उसके बाद प्रोसेसिंग के रूप में कभी 1000 कभी 2000, जैसा इनका ग्राहक या जैसा युवा फंस जाए। और इस प्रकार जब पैसे आ जाते थे तो वो उस युवा के नंबर को ब्लॉक कर देते थे या फ़ोन उठाना बंद कर देते थे। इनकी जॉब की कंडीशंस कई बार इस प्रकार रहती थी और अमाउंट इतना छोटा रहता था कि इसमें अधिकांश जो ठगे हुए लोग हैं वो कंप्लेन नहीं करते थे। कुल दो अकाउंट की इनकी जानकारी मिली है, जिसमें करीब अभी 18-19 लाख का ट्रांजेक्शन, अर्थात इतने पैसे आ चुके हैं। और दूसरा, इन्होंने एक ICICI बैंक में दीपक ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी खोली यहाँ ग्वालियर में। पूरी तरह से ये फर्जी कंपनी थी, फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड के आधार पे कंपनी खोली गई और उसमें फर्जी 26 लोगों के एम्प्लॉय बता के 26 अलग खाते खोले गए। इसको करीब 4 महीने हो गए थे। इनका ये प्लान था कि 6 महीने के बाद पर्सनल लोन मिल जाता है। इन्होंने ये शो किया कि ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और 6 महीने बाद ये पर्सनल लोन लेके और ये पूरी कंपनी बंद कर देते। इस प्रकार ये दो तरह के फ्रॉड हुए। एक फ्रॉड जो फलीभूत नहीं हो पाया वो बैंक का था, परंतु दूसरा जो कि नौकरी के नाम पे फ्रॉड कर रहे थे, इसमें सैकड़ों युवाओं को इन्होंने ठगा है और ये इनको हम पुलिस रिमांड में लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे। अभी इनके पास से एक लैपटॉप और बड़ी संख्या में ATM कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुकें आदि जब्त हुई हैं और ये बड़े कंप्यूटर के मास्टर हैं। यद्यपि इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, परंतु ये ऑनलाइन फ्रॉड में इनने महारत हासिल कर ली है और साथ ही ये आधार कार्ड जो फर्जी बनाए जाते हैं ये भी स्वयं इन्होंने बनाने की कला हासिल कर ली है। उत्तर प्रदेश का एक आरोपी था जो कि यूपी में इसी तरह के फ्रॉड में बंद हुआ था, उससे उन्होंने ये सीखा और 2019 से इस काम को कर रहे थे। इनको अब पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ करके और इस अपराध में और कुछ पूछताछ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कुछ और फ्रॉड भी इनसे की जानकारी हम इनसे मिलेगी। इस पूरी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच एडिशनल SP राजेश दंडौतिया और उनकी टीम ने, विशेषकर क्राइम के हमारे जो साइबर सेल ने, बहुत अच्छा इसमें काम किया। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।